हेलो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जनाब है व्लॉग, कुछ इंटरेस्टिंग। आज सारा दिन क्या होने वाला है आप लोगों के साथ गुजरेगा, लेट्स सी। अभी दिन स्टार्ट हुआ है, खैर स्टार्ट तो मेरा 2 घंटे पहले हो गया था, बट मेरी आई से अगर आपको लग रहा है कि रेड है तो यस, 3-4 घंटे की नींद पूरी की है मैंने। इसके बाद मैं वेट कर रही थी मेरी मेट का, जो कि आज बहुत लेट आई और मुझे लग रहा था कि शायद आ जाएगी नहीं। बट एनीवेज, आज हम जा रहे हैं जनाब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, एक विजिट है पीआर पे, और हाइड्रोफेशियल या फोटोफेशियल होगा। यस, तो देखते हैं क्या करती हैं वो और कैसा होता है फेशियल। स्किन काफ़ी बेहतर है, इतनी बुरी नहीं है मेरी स्किन, क्योंकि मैं स्किन केयर करती हूँ, यू नो दैट। बट मुझे लगता है यहाँ पे ना कुछ ब्लैक हेड्स हो गए हैं, आजकल गर्मी बहुत है। खैर एनीवेज, चलते हैं, लेट्स सी। और मैं आपको जगह भी बताऊंगी कहाँ पे करवा रही हूँ सब कुछ, एंड फिर हम वापस भी आएंगे और क्या क्या करेंगे वो भी देखेंगे आप लोग। चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं डे, लेट्स गो। सो जनाब, हम आ गए हैं F11 मरकज, और यहाँ पे है नजीब स्पॉट, वहाँ पे है जनाब स्किन स्मिथ, उसी बिल्डिंग में स्किन स्मिथ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हम जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है, यहाँ पार्किंग मिलना एक उफ अजाब है। सो चले जनाब, जल्दी से चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या करवाते हैं आज हम। मिल गई हैं जहरा, क्या हाल है जहरा? मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। क्या करवाने आई हैं आप यहाँ पे? मैं हाइड्रोफेशियल विद ग्लो मास्क। कितना ग्लो चाहिए तुझे? बहुत ग्लो चाहिए। सो जनाब, हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है ये आप अच्छा करते हैं कि सनब्लॉक लगाते हैं, क्योंकि आपकी स्किन में फ्रेकल्स की टेंडेंसी है, ये ब्राउन स्पॉट्स जो बने हैं इनको फ्रेकल्स कहते हैं, तो यू नीड इट। और आपने भी वैक्स किया है? वैक्स हो गया मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना। बाल आए हैं आपके? ठीक है, ऐसा 600 दिनों वाले नहीं है, आपको फिजियोलॉजिकल हेयर है, योर चॉइस। बाकी थोड़े बहुत आपके साइंस ऑफ एजिंग है, ब्लैक हेड्स हैं, ओपन पोर्स हैं, तो आपके लिए हाइड्रोलॉजी जो है वो बेहतर है, नीट हो जाएगा फेस आपका। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, इधर भी है, नोज पे भी है, थोड़े से व्हाइट हेड्स भी हैं, तो वो एक जरा क्लीन हो जाएगा, डीप क्लींस दे मुझे की फ्रेकल्स वही करेंगे, साइंस ऑफ एजिंग वही करेंगे। फ्रेकल्स के लिए क्या सन प्रोटेक्शन तो मस्ट है ना, जितना भी है जितना आप कर सकते हैं सन प्रोटेक्शन। और सन प्रोटेक्शन का तरीका पता है किसे करते हैं? सनब्लॉक, मतलब आप 2 फिंगर्स पे इतनी सनब्लॉक। और बाहर निकलने से बाहर निकलने से पहले वैसे कम निकलती हूँ, और मेकअप करने से पहले। सही है, तो आइडियली अगर आप सनब्लॉक लगाते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि उसे आप रिलीजियसली लगाएं, रिलीजियसली मीन रिलीजियसली। अगर आप एक दिन नहीं लगाते, आज आपने यार मेरा मूड नहीं है मैं नहीं करूँ, मुझे जल्दी है, तो जो आपने पीछे भी लगाया हुआ था वो भी जीरो हो गया, ठीक हो गया। और अगर आपका एक्सपोजर 3 घंटे से ज्यादा है, आपने बाहर जो है वो 3 से 4 घंटे रहना है, और आपने सुबह लगाया और आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि मेरी प्रोटेक्शन मुझे मिल रही है, जीरो, जीरो। मतलब लगाना था लगाना, एक फिर आपने एफर्ट ही की है बस, और कुछ नहीं किया। अच्छा, मेकअप के बाद कैसे पहले क्रीम फॉर्मूला ज्यादातर सब वॉश करके रीअप्लाई।
बंद करता है, ये माइक्रो करंट रहती है जो कोलेजन को स्टिमुलेट करती है। इमीजिएट तो नहीं, आप अगर रेगुलरली इस चीज को ऑफ करते हो तो आपको खुद नजर आएगा। वो मैंने देखे हुए, मैंने स्पेशली इसीलिए वीडियो बनाई थी कि जो पॉलर से करवा कर आते हैं ना सैलून से, उसके अंदर वो सीरम भी यूज करते हैं। जनाब हमने करवा लिया है ट्रीटमेंट एंड अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि हमें लग गई है भूख। और अब हम जा रहे हैं कहाँ पे? मैकडॉनल्ड्स। अब हम मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं, सो ज्वाइन करिए हमें लंच पे। ओके जी, अब हम आ गए हैं मैकडॉनल्ड्स, लेट्स गो। एंड आपको दिखाते हैं जनाब मैकडॉनल्ड्स यहाँ पे काफी दफा आ चुके हैं। क्यों जहरा? हाँ हाँ, बहुत दफा आ चुके हैं। मेरे ख्याल से हम पहली दफा यहाँ पे आए थे। हाँ, सेकंड टाइम मिले। लंच हमारा फर्स्ट टाइम यहाँ पे था। बताओ क्यों हंसी आ रही है तुम्हें इतनी? इसलिए क्योंकि तुमने जल्दी है हॉस्टल का है कि 10 मिनट है लावा आने में। ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये लड़की मेरा टाइम लेती है इतना। सारा दिन ले लेती है। जैसे मैं निकलती हूँ ना इस बंदी के साथ, ये सारा दिन लेती है। 2 हफ्ते बाद है ना, झूठ बोलती है। हर हफ्ते मिल लेती है फिर भी झूठ बोलती है बदतमीज। हम लोग गए थे लावा खाने के लिए, काम निकला ये सूखा। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं घर और पहले सारा को ड्रॉप करेंगे, फिर जाएंगे घर और फिर देखेंगे आगे क्या करते हैं। एंजॉय। ओके जी, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। ये मोहतरमा को मैंने ड्रॉप कर दिया है, बाय। अब हम चलते हैं घर क्योंकि अभी मैंने अपनी मदर इन लॉ को लेके जाना है हॉस्पिटल एंड उनकी होती है ड्रेसिंग। तो अब हम चलते हैं जल्दी से घर, काफी टाइम हो गया आज अच्छा खासा। ओके, सो मैं घर आ गई हूँ एंड ये मोहतरमा घर पे बैठी हुई है। वेट हो रहा था मेरा, लेट हो रहा था एंड तो बताओ कैसा लग रहा है मेरा मेक फेस? अच्छा, कुछ करके आई है? हाइड्रेशन, हाथ धो गई है। मुझे तो लगा वैसे ही। बिस्ती कर रही है हमारी बात है भाई। उसने का मेकअप नहीं किया हुआ तो बस कुछ नहीं हुआ। सो जनाब हम करने लगे हैं थोड़ी सी पीआर अनबॉक्सिंग, क्योंकि पीआर आए हुए हैं और वो भी अनबॉक्स करने हैं, वो भी बहुत जरूरी होते हैं। सो अभी थोड़ी सी पीआर अनबॉक्सिंग होगी इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे एंड या फिर हम चलेंगे। फिर हमने जाना है आंटी के साथ हॉस्पिटल ड्रेसिंग कराने उनकी टांग की, तो जल्दी से क्विक मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ फिर वापस चलते हैं बाहर, मतलब हॉस्पिटल। yes. Thank you.
सुरैया बहुत नाम होता था। हाँ सुरैया। इस तरह के नाम बड़े थे फिजाना, अब नाम और आ गया ना मुझे। जनाब दिन ओवर हो गया है और बहुत मज़ा आया आज के दिन का, बहुत इंजॉय किया ज़हरा के साथ, बहुत मज़ा आया। हाइड्राफेशियल करवा लिया, यस, और मज़ेदार सा खाना भी खा लिया मिंडेनोस का। मिंडेनोस का खाना बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा टेस्ट हो गया उसका। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर जाइएगा। F6 में है, F6 सुपर, जनाब सुपर में, आपको गूगल करेंगे तो आराम से मिल जाएगा। बहुत मज़े का खाना था आज का, वाओ। और डिज़र्ट तो और भी मज़े का था, बहुत 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 मज़े का। अब हम क्या करेंगे, शावर ले लिया है, आराम से बैठेंगे, थोड़ा सा मूवी या ड्रामा देखेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे हस्बैंड के साथ, हम उसके बाद थोड़ी सी एडिटिंग वेडिटिंग कर लेंगे और बस फिर जनाब सोने का टाइम हो जाएगा। सो आई होप आज का दिन आपको भी मज़ा आया होगा गुजार के मेरे साथ। और कैसे लगा आप लोग नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह के व्लॉग कैसे लगते हैं। सो किसी और व्लॉग में, किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, बाय बाय।